हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल सो आज डिस्कस करेंगे हम इनफ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स से सो so, जो सेकंड है पहले पढ़ा था हम लोगों ने डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आज पढ़ेंगे इन्फ्लुनशियल स्टैटिस्टिक्स सो so, जो इन्फ्लुएंशियल स्टेटिक्स है जो डील करता है दैट डील विद द ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन अबाउट लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू पार्टिसिपेशन फ्रॉम अमोंग दैम एंड और अबाउट द इवेंट विच आर येट टू बी अकर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट इसका मतलब है कि जो पहले कोई घटना घट चुकी है कोई पास्ट इवेंट अगर हो चुका है तो उसके आधार पर कुछ पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करना उनके बेसिस पे फिर कंक्लूजन देना उसको ही इन्फ्लेंस बोलते हैं सो इन्फ्लुंस क्या है कंक्लूजन देते हैं हम लार्ज पॉपुलेशन के बारे में या जैसे सैम्पलिंग होता है ना उसी प्रकार से इन्फ्लुएंशियल मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में किसी पॉपुलेशन के बारे में लार्ज पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन देना सो इट प्रोवाइड टूल टू कम्पेयर कम्प्यूट दी प्रॉबलिटी ऑफ फ्यूचर बिहेवियर ऑफ सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट के बारे में पॉपुलेशन के बारे में फ्यूचर बिहेवियर को प्रोडिक्ट करना उसकी प्रॉबलिटी को कंप्यूट करना उसको निकालना फाइंड आउट करना उस ये जो टूल है उसके माध्यम से किया जाता है इसको हम इन्फ्लुशियल स्टडीज तक बोलते हैं तो ये बेसिकली दो टाइप की होती है द फर्स्ट दैट इज़ इस्टीमेशन एस्टिमेशन क्या है एस्टिमेशन एक इंफेंशल इज मेड अबाउट द पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज डिस्कवर अबाउट द सैंपल किसी पर्टिकुलर सैंपल के बारे में क्या चीज़ आपने खोजी है क्या निकाला है उसके बेसिस पे उसकी पूरी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स उसकी विशेषता को बताना ही एस्टिमेशन कहलाता है सो so ये बेसिकली अगर बात करें तो ये दो टाइप की होती है पहले होती है पॉइंट एस्टिमेट दूसरी होती है इंटरवल एस्टिमेशन पॉइंट व्हाट इज पॉइंट एस्टिमेशन सो द सिंगल वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल सैंपल से सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट करना ही पॉइंट वैल्यू कहलाती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ द वैल्यू ऑफ द स्टेटिक्स इज फोर्टी फाइव दैन द मीन वैल्यू विल भी फोर्टी फाइव सो देट इज कॉल इज पॉइंट दट पॉइंट एस्टीमेट दैट मीन्स द सिंगल वैल्यू यू कैन यू कैन सी द वैल्यू ऑफ द स्टिक्स ऑफ द वैल्यूज एंड नाउ द मीन वैल्यू विल भी सेम दैट इज फोर्टी फाइव सो दिस इज कॉल इज स्टिक और पॉइंट और जो इंटरवल होता है उसमें हम रेंज लेते हैं और रेंज ऑफ वैल्यू भी कैलकुलेट फ्रॉम देंटे दैंपल द रेंज लाइक फ्राम फोर्टी टू फोर्टी फाइव दिस समेट बीसिडर द रेंज इन दल इसमेट हाइपोथेसिस टेस्टिंग सो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं हाइपोथेटिस टेस्टिंग और इज डिफाइन एज दी स्टेटमेंट विच मे और मे नॉट बी ट्रू अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है ये जो स्टेटमेंट है इसको हाइपोथिस बोलते हैं एक टेंटिव थ्योरी होती है जिसकी जो उसकी जिसकी वैलिडिटी है वो अभी तक प्रूव नहीं हुई है उसको ही हाइपोथिस बोला जाता है सो यहाँ पर देख सकते हैं इसके दो टाइप की होती है एक नल हाइपोथिसिस दूसरी है अल्टरनेटिव हाइपोथिस सो so, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया है कि बायो फर्टिलाइज़र का प्लांट की ग्रोथ पर क्या इफेक्ट है यहाँ पर दो वेरिएबल हैं बायो फर्टिलाइज़र और प्लांट की ग्रोथ तो इसको हम देखते हैं क्या इसका इम्पेक्ट है दोनों एग्जाम्पल के साथ जैसे अगर नल हाइपोथेसिस में देखें तो इसमें बोला जाता है कि ये जो है बायो फर्टिलाइज़र है उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है प्लांट की ग्रोथ पर सो so, इसको प्रूव करना होता है नल हाइपोथेसिस में तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि बायो फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर डालने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है उसकी ग्रोथ पर और दूसरा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सो so अगर हम बात करें नल हाइपोथेसिस की तो इसको एच नॉट से डिनोट करते हैं एग्जाम में पूछा जाता है अ स्टेटमेंट दैट द वैल्यू ऑफ़ अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज इक्वल टू द सेम क्लेम वैल्यू मतलब जो वैल्यू हम क्लेम कर रहे हैं वही जैसे कि मैंने क्लेम किया कि इसके बीच में कोई संबंध नहीं है बायो फर्टिलाइजर और प्लांट की ग्रोथ में तो हमको इसी को प्रूव करना होता है एंड द प्रोडक्शन दैट देयर इज़ नो इंट इंट्रक्शन बिटवीन वेरिएबल्स मतलब ये दो दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध नहीं है दर्शाता है आपका नल हाइपोथेसिस और अगर हम बात करें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तो इसको हम एच वन एच एच कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और इसमें हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो आपके बायोफर्टिलाइजर की एप्लीकेशन है इससे क्या होगा कि प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी ये जो दोनों वेरिएबल है उसके बीच में संबंध है और इसको ही हम प्रूव करते हैं सो द स्टेटमेंट दैट द पैरामीटर हैज वैल्यू दैट समहा डिफर फ्रॉम दी नल हाइपोथेसिस जैसा कि मैंने बताया कि नल हाइपोथेसिस में हमको प्रूव करना होता है कि उसके बीच में कोई संबंध नहीं है और अल्टरनेटिव में हम इसका जस्ट अपोजिट करते हैं सो द दैट देयर इज अ मेजरेबल इंटरेक्शन बिटवीन देम मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है थोड़ा बहुत तो ये कहलाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सो so, जब नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाता है तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अज्यूम कर लेते हैं उसको उसी के माध्यम से आगे वर्क करते हैं सो so, ये था इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में और अभी हम देखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल इसको अंडरस्टैंड करते हैं सो व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वी डिनोट बाय द अल्फा अल्फा से इसको प्रेजेंट रिप्रेजेंट करते हैं द प्रोबेबिलिटी विथ विच वी विल रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस वहन इट इज ट्रू इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज इरर वन टाइप बन एर है जो टाइप बन एर के बारे में आपने पढ़ा होगा मैंने बताया था पहले ही टाइप बन एर में क्या होता है कि जो नल हाइपोथेसिस है दैट हैज टू बी रिजेक्टेड वैन इट इज ट्रू सो जब भी नल हाइपोथिसिस रिएक्ट की जाती है जब वो ट्रू होती है उसको बोलते हैं टाइप बन एर और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ही दर्शाती है और यहाँ पर दिया गया है कॉन्फिडेंस लेवल सो वाट इज कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस लेवल इज द बन माइनस अल्फ़ा मतलब अगर हम एक में से ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट हटा दें तो कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है सो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है द प्रोबेबिलिटी विथ विच बी एक्सेप्ट नल हाइपोथिसिस वैन इट इज़ ट्रू जब नल हाइपोथिसिस ट्रू है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसको ही बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल और इसको डिनोट करते हैं बन माइनस अल्फा से और इसको बोलते हैं टाइप टू एरर और अगर आपने यहाँ देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी हमेशा आप एक से करते हैं जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे प्रोबेबिलिटी की तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है जो हाइस्ट वैल्यू होती है वो होती है सो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ़ सिग्निफिकेंस की सो अगर वो अल्फ़ा है तो जो कॉन्फिडेंस लेवल हो क्या होगा कि अगर उसको बन माइनस अल्फ़ा कर देंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल निकल निकल आएगा सो कॉन्फिडेंस लेवल होता क्या है अगर बात करें तो जो नल हाइपोथेसिस आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका आपका भरोसा बोल सकते हैं कि आपको इतना भरोसा है कॉन्फिडेंस है कि आपके जो आपके जो टेंटेटिव जो हाइपोथेसिस जो भी जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो नाइन्टी परसेंट नाइन्टी नाइन परसेंट सही हो सकता है उसको ही कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस लेवल इज टेकन नाइन्टी नाइन परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट और नाइन्टी परसेंट ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ये इसलिए यहाँ पर नाइन्टी नाइन परसेंट लिखा हुआ है नाइन्टी फाइव और नाइन्टी जो हम कंसिडर जनरली करते हैं कि आपको इतना भरोसा है कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो नाइन्टी नाइन परसेंट सही है इसी प्रकार से लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या लिखा है वन परसेंट फाइव परसेंट एंड टेन परसेंट मतलब आपको आपको ये है कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो हो सकता है चांस है कि वो एक परसेंट फेल हो जाए या रिजेक्ट हो जाए या फिर पाँच परसेंट या फिर दस परसेंट जो आपकी हाइपोथिस है हाँ वो रिजेक्ट हो सकती है तो ये जस्ट कॉन्फिडेंस लेवल का अपोजिट होता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ पर जो पॉइंट जीरो वन लिखा है पॉइंट जीरो फाइव है पॉइंट जीरो टेन है ये इसको जस्ट कन्वर्ट करके परसेंटेज में डाला गया है ये जो वैल्यू है ये दर्शाते हैं कि आप क्या पॉसिबिलिटी है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो सकती है सो वन परसेंट है फाइव परसेंट और टेन परसेंट है यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल ये दर्शाता है कि वट इज द प्रॉबिली दैट योर नल दैट विल बी विलप्टेड सो यू हैव कॉन्फिडेंस दैट दैट विल नाइनटी नाइन परसेंट एक्सेप्टेड और नाइन्टी फाइव परसेंट एक्सेप्टेड और नाइन्टी परसेंट एक्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब इसको डायग्राम से देखते हैं सो so यहाँ पर हम फाइव परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल लेते हैं फाइव परसेंट का मतलब है कि आपको पाँच परसेंट ये जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है उसके इस तरफ ढाई परसेंट और इस तरफ ढाई परसेंट सो so, ये ये जो एग्ज़ाम्पल लिया गया है ये टूटेल एग्जाम्पल है टूटेल से टेस्ट का इसको आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे अभी यहाँ देख लेते हैं सो so, यह जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है पॉइंट वन पॉइंट सिक्स फोर है ये आपकी माइनस में है यहाँ प्लस में वन पॉइंट सिक्स फोर मतलब ये जो यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है सो जो पॉइंट यहाँ पर टू पॉइंट फाइव वैल्यू ये जो है यहाँ पर है और यहाँ पर जो है ये बेसिकली जो दर्शाता है कि आपकी जो क्या प्रॉबलिटी है कि वो रिजेक्ट हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस तो ये आपकी ढाई परसेंट यहाँ हो जाएगी और ढाई परसेंट यहाँ हो गई सिग्निफिकेंस लेवल जो यहाँ पर लिखा हुआ है सो और जन जो इसके इसके अंदर वाला पार्ट है इसको कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं यहाँ पर नाइन्टी फाइव परसेंट है मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है आपके जो आ, आ, आपके नल हाइप ये जो नल हाइपोथिसिस है उसके एक्सेप्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी है वो नाइन्टी फाइव परसेंट है सो इसको कॉन्फिडेंस लेवल से डिनोट किया गया है और जो सिग्निफिकेंस लेवल वो ढाई परसेंट यहाँ पर है और ढाई परसेंट यहाँ पर है टू पॉइंट फाइव माइनस टू पॉइंट फाइव प्लस सो दैट दैट शो योर रिजेक्शन देव नल हाइपोथेसिस दैट विल बी रिजेक्टेड इन दिस एरिया ओनली एंड जो यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू यहाँ पर लिखी नहीं मैं बता देता हूँ वन पॉइंट सिक्स फोर है यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बात करें अगर हम जेड वैल्यू निकालते हैं इसके इसके साथ साथ में तो जेड वैल्यू कैसे निकलती है कि जो अल्फ़ा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उसी से पॉइंट माइनस पॉइंट वन पॉइंट सिक्स फोर और प्लस वन पॉइंट सिक्स फोर अंदर की जो वैल्यू होती है उस, उसको ही जेड की वैल्यू बोला जाता है सो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आप एक परसेंट ले रहे हैं तो आपका जो जेड की वैल्यू होगी वो माइनस वन पॉइंट सिक्स फोर से लेके वन पॉइंट सिक्स फाइव होगी यहाँ पर अल्फा की वैल्यू डाल के और यहाँ पर अगर पॉइंट जीरो फाइव लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू तो ये यहाँ पर जेड की वैल्यू ये होगी और अगर आप पॉइंट वन लेते हैं तो ये होगी तो ये आपकी जेड की वैल्यू यहाँ से निकल आती है और ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है मतलब यहाँ पर आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है रिजेक्ट होने की नल हाइपोथेसिस ये दोनों तरफ से और ये जो है आपकी जो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका नल हाइपोथेसिस दैट विल बी एक्सेप्टेड सो नाइन्टी फाइव परसेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको समझाया गया है Now let understand the one tail and the two tail test. So one tail or two tail test को हिंदी बोलते हैं दो पक्षीय परीक्षा और एक पक्षीय परीक्षा test. So अगर पहले बात करें हम one tail test की, so if you are using the significance level point zero five, a one tail test allot your entire alpha to the testing the statistical significance in the one direction of the interest. मतलब अगर हम बात करें one tail test की, तो अगर ये graph है पैलाग्राफ है तो ये बेसिकली अगर आप सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू पॉइंट जीरो फाइव लेते हैं तो केवल कि किसी एक डायरेक्शन में ही ये दर्शाएगा वन टेल जैसे कि या तो आप इस डायरेक्शन में ले लीजिए या फिर इस डायरेक्शन में आपका मेन की जो मीन की जो वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल दो वेरिएबल हैं मीन वन है मीन टू है, है तो मीन वन की वैल्यू या तो अगर एक ही डायरेक्शन में आएगी या इस डायरेक्शन में आएगी या इस डायरेक्शन में आएगी तो इसी बोलते हैं वन टेल टेस्ट सो द मीन दैट पॉइंट जीरो फाइव इज इन दन टेल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ योर टेस्ट सिस्टेडिक्स मैन यूजिंग दन टेल टेस्ट यू आर टेस्टिंग फॉर पॉजिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप इन दी बन डायरेक्शन एंड कम्प्लीटली रिगार्डिंग द पॉजिबिलिटी ऑफ द रिलेशन ट इन द अदर डायरेक्शन मतलब यह है कि आप केवल कि किसी एक डायरेक्शन में ही आप इसका मीन निकालना चाहते वैल्यू निकालना चाहते हैं दूसरे डायरेक्शन को आप इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर बोल सकते हैं जैसे मीन बन की वैल्यू आपकी फोर्टी फाइव आती है मीन टू मीन टू की वैल्यू आपकी फोर्टी टू आती है सो so, अगर आपकी यहाँ पर मीन वन की वैल्यू आपको पता है ज़्यादा है मीन टू की वैल्यू पता है कम है सो so, यहाँ पर एम वन ज़्यादा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा एम टू से तो इस ऐसे केस में जहाँ पर आपको पता हो कि जो वैल्यूज़ हैं कौन बड़ी है कौन छोटी है तो हमेशा ही आप वन टेल टेस्ट यूज़ करते हैं ताकि क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है सो so, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सिग्निफिकेंस लेवल आपने पॉइंट जीरो फाइव दिया तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होगी या पॉइंट वन सिक्स यहाँ पर एक डायग्राम बना के अगर हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसी एक डायग्राम को देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डायग्राम है अगर आपने पॉइंट सिग्निफिकेंस लेवल लिया पॉइंट फाइव परसेंट तो जो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वन पॉइंट सिक्स फाइव यहाँ से लेंगे तो किस एक इस डायरेक्शन में पूरे में आपका एक्सेप्टेंस आएगा मतलब जो आपका जो नल हाइपोथिसिस है उसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो एक्सेप्ट होने की है वो पूरी इस तरफ है और जो रिमेनिंग है केवल इसी रेंज में वो आपका नल हाइपोथिसिस वो रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको जो वैल्यू निकल के आई है वो आपकी इसी डायरेक्शन में आई है सो so, इसके यहाँ इस तरफ जो है एक्सेप्टेंस लेवल है यहाँ तरफ रिजेक्शन लेवल है एक ही डायरेक्शन में है इसको बंटेल बोलेंगे बंटेल टेस्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो इसको यूज क्यों करते हैं अगर हम बात करें बंटेल टेस्ट की तो बंटेल टेस्ट को हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जैसे अगर होती है तो हम यूज करते हैं यहाँ पर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है जिसमें आपको पता हो कि आपकी मेन की वैल्यू है जो फॉर एग्जाम्पल जो फोर्टी फाइव फोर्टी टू है फोर्टी फाइव है तो इसमें अगर एक बड़ी है एक छोटी है तो आप ये जो है बन टेस्ट यूज़ करेंगे एंड दिस कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन और साइन अगर आपकी जो वैल्यू है आपका जो आपकी जो स्टडिक्स है जो डेटा है अगर उसमें ये चीज़ कंसर्निंग है कि आप किस डायरेक्शन में आपकी वैल्यू आ रही है तो तभी हम इस बंटेल टेस्ट का यूज करेंगे जिसमें साइन और जो डायरेक्शन है वो महत्वपूर्ण हो तो वहाँ पर हम बंटेल टेस्ट का यूज करेंगे यहाँ पर यू बन टू नो बिच मीन इज द लार्जर और स्मॉल या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा मीन जो है बड़ा है कौन सा छोटा है तब आप वन टेल टेस्ट का यूज़ करेंगे सो आई होप आपको समझ में आया होगा अब देखते हैं टू टेस्ट टू टेल टेस्ट के बारे में टू टेल टेस्ट कब यूज़ करते हैं सो इफ़ यू आर यूजिंग द सिग्निफिकेंस लेवल पॉइंट जीरो फ़ाइव अगर आप जो सिग्निफिकेंस लेवल पॉइंट जीरो फ़ाइव ले रहे हैं testing, और टू टेल टेस्ट अलॉट हाफ ऑफ यू अल्फा टू दी टेस्टिंग टू दी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इन दी दन डायरेक्शन और आधा जो अल्फा है उसको उसको सेकंड डायरेक्शन में अदर डायरेक्शन में उसको यूज़ करेंगे सो दिस मीन्स दैट पॉइंट जीरो टू फाइव इज इन ईस्ट टेल मतलब अगर आप बात करें यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर आधा जो अल्फा है आपने यहाँ आसाइन किया है पॉइंट फाइव अगर आप लेते हैं सिग्निफिकेंस लेवल तो पॉइंट टू पॉइंट फाइव यहाँ लेंगे टू पॉइंट फाइव इधर लेंगे एंड वेन यूजिंग द टू टेल टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप योर हाइपोथिस यू आर टेस्टिंग फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप इन द बोन डायरेक्शन बेसिकली आप दोनों ही डायरेक्शन में आप उसका वो रिजल्ट देखना चाहते हैं इसी वजह से आप यहाँ पर जो है आप टोटल टेस्ट का यूज करेंगे जैसे अगर आपका जो वैल्यू है आप ये देखना चाहते हैं कि बेसिकली क्या दो दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है आप नल हाइपोथेसिस कब कर यूज़ करते हैं अब जब यही चेक करते हैं कि देर इज नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स देर एक वेरिएबल है एक दूसरा वेरिएबल है अगर इनके बीच में कोई संबंध नहीं है या फिर इसके बीच में कोई संबंध है उसमें ये दर्शाया नहीं गया है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है तब आप टू टेल टेलिस्ट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि आपकी जो वैल्यू है कौन छोटी है कौन बड़ी है आपके वाले ये देखना चाहते हैं कि उसके संबंध है कि नहीं है तो आप दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं सो तो यहाँ पर सिक्किफिक्स लेकर आप पॉइंट फाइव परसेंट लेते हैं तो आधा इस आई आ जाएगा और आधा इस तरफ आ जाएगा सो इसमें बेसिकली इस प्रकार से हम टू टेल्ट का यूज़ करते हैं टू टेल सो ये बेसिकली नॉन डायरेक्शन होता है एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जो टोटल टोटल टेस्ट है वो किस प्रकार का है वो है नॉन डायरेक्शन मतलब उसमें डायरेक्शन का महत्वपूर्ण महत्व तो नहीं है और वन डेल टेस्ट में आपका जो डायरेक्शन है वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें जो वैल्यूज होती हैं उसमें साइन का और डायरेक्शन का बहुत ही महत्व होता है जैसे कि अगर मीन की वैल्यू कौन सी ज़्यादा है कौन सी छोटी है तो यहाँ पर हम वन डेल टेस्ट लेंगे और यहाँ पर अगर हम देखें केवल हाइपोथेसिस को कि आपकी क्या रिलेशन है हाइपोथिस बीच में जो वेरिएबल्स हैं दो उनके बीच में कोई संबंध अगर है या नहीं है तो हम इसको यूज करेंगे क्योंकि उसमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया गया है आई होप आपको समझ में आ गया होगा वन टेल टेस्ट और दी टू टेल टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है और कैसे इनको हम यूज करते हैं और यहाँ पर ये डायग्राम है इसको आप देख भी सकते हैं जैसे अगर टू टेस्ट की बात करें सो तो अगर हमने पाँच परसेंट लिया यहाँ पर इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो हम वन पॉइंट नाइन सिक्स लेके प्लस वन पॉइंट नाइन सिक्स के बीच की वैल्यू लेंगे सो so, यहाँ से देख लीजिए आप अगर इस इस रेंज की वैल्यू अगर लेते हैं तो ये जो अगर टू ट्वेल्व टेस्ट यूज करेंगे तो इसके अंदर वाले जो पार्ट होगा जो असेप्टेंस लेवल का आएगा असेप्टेंस लेवल में नाइन्टी फाइव परसेंट आ रहा है और जो पॉइंट टू फाइव है और इसको क्योंकि आधा आधा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर टू टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आधा जो होगा इस तरफ हो जाएगा और आधा इस तरफ हो जाएगा तो ये जो रीजन होगा आपका रिजेक्शन रीजन हो जाएगा तो ये कहलाता है टू ट्वेल्व टेस्ट और इसके जो बीच का हिस्सा होगा वो असेप्टेंस रीजन हो जाएगा नाइन्टी फाइव परसेंट आई होप आपको समझ में आया होगा कि टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट क्या कहलाता है सो नाउ लेट अंडरस्टैंड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब करते हैं तो उसमें किस प्रकार की इरर होती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं एकदम आसान भाषा में सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इरर दो प्रकार की इरर होती है जिसको त्रुटि बोलते हैं रिगार्डिंग डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस जब भी नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि या वो एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी तो केवल दो प्रकार की ही इसमें एरर आएगी सो तो दोनों को एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं जैसे पहली है टाइप वन एरर टाइप वन एरर इसको क्यों बोला जाता है और इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं और टाइप टू को बीटा से डिनोट करते हैं सो टाइप वन एरर क्या है भैन दी नल हाइपोथिस इज इज ट्रू एंड अ डिसीजन इज रिजेक्टिंग इट इज़ एन एरर मतलब अगर आपकी नल हाइपोथिस जो है वो ट्रू है मतलब सत्य है और आपने गलती से उसको रिजेक्ट कर दिया आपने ऐसा डिसीजन लिया कि आपने उसको गलती से कर दिया रिजेक्ट तो इस प्रकार की जो इरर कहलाएगी उसको टाइप वन एरर बोलेंगे और अगर वहीं जस्ट इसका अपोजिट हो जाए कि आपके जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है वो गलत है उसके बावजूद भी आप उसको एक्सेप्ट कर लें तो उसको इस प्रकार की जो एरर को बोलेंगे हम लाइफ टाइप टू एरर, एरर और दोनों को डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे बहुत ही आसान भाषा में सो यहाँ से आप डायग्राम देख सकते हैं इसको जैसे यहाँ पर रिसर्चर ने पाँच परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल लिया इसका मतलब क्या है कॉन्फिडेंस लेवल कितना हुआ नाइन्टी फाइव परसेंट मतलब आपका जो रिसर्चर है वो नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस है कि उसका जो नल हाइपोथिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा सो so, जब पाँच परसेंट आप नल सिग्निफिकेंस ले लेंगे तो दोनों तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ जो पॉइंट आएगा पॉइंट माइनस वन माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स और प्लस वन पॉइंट नाइन सिक्स ये जो रेंज होगी इसके अंदर की जो रेंज होगी उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस रेंज मतलब आपका जो रिसर्चर है नाइन्टी फाइव परसेंट वो कॉन्फिडेंस है तो ये नाइन्टी फाइव परसेंट आएगा आपका असेप्टेंस रीजन और इसके अलावा जो रीजन है यहाँ पर और इस तरफ ये टू पॉइंट फाइव और टू पॉइंट फाइव परसेंट ये आपका नल हाइपोथेसिस का रिजेक्शन रीजन इसलिए इसको बोला जाता है ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है नाइन्टी फाइव परसेंट और सिग्निफिकेंस लेवल है पाँच परसेंट मतलब आपके जो नल हाइपोथेसिस की पॉसिबिलिटी है रिजेक्ट होने की वो पाँच परसेंट है ढाई परसेंट यहाँ पर और ढाई परसेंट है यहाँ पर सो so, आप देखते हैं टाइप एरर कैसे बनता है जैसे अगर यहाँ पर रिसर्चर ने पाँच परसेंट की जगह दस परसेंट ले लिया गलती से और तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हो गया एट्टी नाइन्टी परसेंट सो जब नाइन्टी परसेंट हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू होगी जो यहाँ पर आ जाएगी दस परसेंट जब लेगा तो यहाँ पर आ जाएगी तो फॉर एग्जांपल अगर इस जो पहले वैल्यू आ रही थी फॉर एग्जाम्पल कोई मेन वैल्यू आ रही थी जो इस रीजन में आ रही थी यहाँ पर आ रही थी फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट मैंने बनाया ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थी अब अगर उसने गलती से जो कॉन्फिडेंस लेवल दस परसेंट ले लिया तो ये जो ये जो वैल्यू यहाँ से इस इस रीजन की केवल एक्सेप्ट होगी केवल ये जो रीजन है वो एक्सेप्टेंस कहलाएगा नाइन्टी परसेंट और जो दस परसेंट होगा वो रिजेक्शन रीजन कहलाएगा तो जब पहले जो आपका अल्फा जो रिजेक्ट एक्सेप्ट हो रहा था इस रीजन में अभी वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आप जो वैल्यू लेने वाले हैं एक्सेप्टेंस रीजन की वो केवल इसी रेंज की है और आपकी जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर आई है मतलब ये इस रेंज के बाहर आई है तो बाहर जो रेंज होगी तो वो तो आपकी रिजेक्शन रेंज है तो आपका जो नल हाइपोथिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपने यही इसमें दिया गया है अल टाइपन एरर में कि जब आपका नल हाइपोथिस ट्रू है बेसिकली आपका ट्रू था ना अभी तो क्योंकि आपका जो वैल्यू यहाँ आया था और ये जो रेंज था इसी के अंदर था तो आपकी वैल्यू जो एक्सेप्ट हो जाती है बट गलती से आपने कॉन्फिडेंस लेवल और जो सिग्निफिकेंस लेवल है पाँच परसेंट से दस परसेंट ले लिया और इसी की वजह से आपके जो असेप्ट असेप्टेंस जो रीजन हो गया वो छोटा हो गया और छोटा हो गया तो आपकी जो वैल्यू बाहर निकल गई वो बाहर निकल जाएगी तो ये रिजेक्ट हो जाएगी तो इसी वजह से इसको टाइप बन इर बोला जाता है कि मतलब आपका जो नल हाइपोथेसिस जो ट्रू था गलती से आपने सिग्निफिकेंस लेवल उसका ज़्यादा ले लिया इसी वजह से वो रिजेक्ट हो गई वैल्यू और इसी वजह से इसको टाइप बन एरर बोला जाता है आप देखते हैं टाइप टू एरर सो टाइप टू एरर में अगर यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर अगर इसने पाँच पर्सेंट लिया है सर्चर ने और गलती से अगर वो इसको फॉर एक्जाम्पल एक परसेंट ले लेता है सिग्निफिकेंस लेवल और अभी जो एक्सेप्टेंस रीजन है वो यहाँ पर है ये है और गलती से अगर वो एक परसेंट ले लेता है तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल कितना हो जाएगा नाइन्टी नाइन परसेंट मतलब इसको जो एरिया है वो बड़ा हो जाएगा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो एक्सेप्ट होगी है अभी जो रिजेक्ट हो रही थी इस रीजन की जो अभी तक अभी तक इस रीजन की रिजेक्ट हो रही थी क्योंकि ये जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना था नाइन्टी परसेंट था तो केवल इसी रीजन की एक्सेप्ट हो रही थी बट अभी क्या होगा कि जो रीजन है बड़ा हो जाएगा क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है नाइन्टी नाइन परसेंट हो गया है तो जब इस रीजन की जो वैल्यू होगी फॉर एग्जाम्पल पहले जो कोई वैल्यू आई है वैल्यू निकाली तो उसकी वैल्यू यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो है आपका नलपते रिजेक्ट होने वाला था दस परसेंट पर बट रिसर्चर ने क्या किया कि उसको ये जो उसको आ, आ, एक परसेंट ले लिया अभी पाँच पर एक परसेंट एक्सेप्ट होता नल लाप बट उसने क्या किया एक परसेंट ले लिया सिग्निफिकेंस लेवल और तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना हो गया नाइन्टी नाइन परसेंट तो इसकी जो एक्सेप्टेंस रेंज हो जाएगी बढ़ जाएगी और जब बढ़ जाएगी तो आपकी जो वैल्यू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ रही थी जो जो रिजेक्ट हो रही थी वो इसी के अंदर आ जाएगी इस रेंज के अंदर ये जो रेंज है जिसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस रेंज तो गलती से आपका जो नल हाइपोथिसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा जबकि वो रिजेक्ट होने वाला था सो तो वही है कि बहन नल हाइपोथेसिस फाल्स जब आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो फाल्स थी और फिर भी गलती से जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो उसने रिसर्चर ने एक परसेंट ले लिया तो कॉन्फिडेंस लेवल दस परसेंट नाइन्टी नाइन परसेंट हो गया तो उसका जो रेंज था एक्सेप्टेंस रेंज वो बढ़ गया और बढ़ने से क्या हो गया फिर वो जो आपका पॉइंट जो आ रहा था जो वैल्यू आ रही थी वो उसके अंदर आ गई अंदर आने से क्या है वो एक्सेप्ट कर लिया गया गलती से तो इसी को ही टाइप टू इरर बोलते हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा सो so, यहाँ पर याद करने के लिए आपको जैसे ही डायग्राम से मैंने समझा दिया आपको अब आप भूलेगा नहीं फिर भी यहाँ से अगर देखते टाइप बन इर में क्या होता है कि जो ट्रू होता है उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं और टाइप टू में क्या होता है जो फाल्स होता है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि फाल्स एक्सेप्ट क्यों करते हैं क्योंकि जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल है उसको आप कम कर देते हैं तो जो एक्सेप्टेंस रीजन होगा बढ़ जाएगा और टाइप वन में क्या होता है कि आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है आपको उसको बढ़ा देते हैं तो आपका जो एक्सेप्टेंस रीजन होता है कम छोटा हो जाता है तो इसी वजह से वो रिजेक्ट हो जाती है और यहाँ से आप देख सकते हैं अगर राय है सही है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये गुड डिसीजन है और अगर आपका हाइपोथेसिस गलत है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो ये टाइप टू एरर हो जाएगी और इसी प्रकार से अगर आपका हाइपोथेसिस सही है ट्रू है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो ये आपका टाइप एरर हो जाएगा वहीं पर आपने अगर हाइपोथेसिस आपका गलत है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो ये गुड डिसीजन है तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं अदरवाइज सिंपल है कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे आप भूलेंगे नहीं आई होप आप इसमें जो सिग्निफिकेंस लेवल है और जो कॉन्फिडेंस लेवल है इसको आप एक बार समझ जाएंगे तो ये आपको कभी गलत नहीं होगा इस प्रकार क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन पेपर वन और पेपर टू दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इरर इर टाइप वन और टाइप टू तो जनरली हम क्या करते हैं उसको रटने की कोशिश करते हैं बट अगर हम इसको डायग्राम को एक बार दिमाग में बैठा लेंगे और सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल को समझ जाएंगे तो ईजिली हम निकाल सकते हैं इसके टाइप वन और टाइप टू इर और कॉन्फिडेंस लेवल और सिग्निफिकेंस लेवल का मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसके पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं उससे आप समझ जाएंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है और सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है सो नाउ लेट अंडरस्टैंड दी पैरामेट्रिक एंड दी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट सो अभी हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में सो so जो पैरामेट्रिक है ये बेसिकली आया है पैरामीटर parameter से पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं प्राचार्य सो so अगर हम बात करें पैरामेट्रिक टेस्ट की सो दैट मेक अजम्सन अबाउट पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्राम हिच वन डेटा इज ड्रोन सो जहाँ से भी पॉपुलेशन जहाँ से भी डेटा लिया गया है उसके बारे में उस पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो पैरामीटर है उसकी एजमसन दर्शाता है पैरामीट्रिक टेस्ट सो so, इसके पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं पैरामीटर के बारे में इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेटिस्टिक्स के बारे में तो स्टेटस्टिक और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है और हम पैरामीट्रिक टेस्ट को क्यों पढ़ रहे हैं क्या हम स्टेटस्टिक को यूज नहीं कर सकते सो so बेसिकली जो स्टेटिक्स है वो यूज होता है आपके कुछ छोटी पॉपुलेशन पे या बोल सकते हैं कि एक फिक्स डेटा पे या उस पर यूज करते हैं हम अपने स्टेटिक्स को जैसे कि आपको मीन निकालना है और, और हम यहीं पर जो हम पैरामीटर है पैरामीटर हम यूज करते हैं जहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास पांच वैल्यू है मीन की एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव तो ये पूरा का पूरा जो कहलाएगा उसको बोलेंगे पैरामीटर और प्राचाल इसी वजह से जब ज़्यादा जब पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी हो तब हमको पैरामीटर पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं अदरवाइज स्टडिक्स के माध्यम से भी हम डेटा निकाल सकते हैं बट इसी वजह से हम यहाँ पर पैरामीटर और दी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करेंगे आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि जो पैरामीटर और पैरामीट्रिक टेस्ट हैं इससे हमको एक डिजायरेबल डेटा मिलेगा और एक लार्ज पॉपुलेशन पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो फिक्स होगा और उसके माध्यम से हम एक प्रॉपर बोल सकते हैं एक वेरीफाइड डेटा को निकाल सकते हैं उसका जो कंक्लूजन दे सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं सो so, देखते हैं पैरामीटर और दिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में सो पैरामीटर जो टेस्ट है पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसके माध्यम से हम एजम्पन बनाते हैं पॉपुलेशन एक एक पॉपुलेशन के बारे में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे सैंपल है तो उसके उसके बारे में एक एजम्पन बनाना इस टेस्ट के माध्यम से हम जो रिजल्ट है उसको निकालते हैं दे एज्यूम अंडरलाइनिंग स्टडिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा डेटा का जो स्टडिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में उसको निकालना उसके बारे में एजम्पन देना यह पैरामेट्रिक टेस्ट के माध्यम से किया जाता है और अगर हम वही बात करें नॉन पैरामेटिक टेस्ट की सो दे मेक नो एजम्पन अबाउट द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है उनके बारे में किसी प्रकार की कोई एजम्पन नहीं बनाया जाता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में उसको हम आगे देखेंगे किस प्रकार का ये एजम्पन की बात कर रहे हैं यहाँ पर एंड डू नॉट डिपेंड ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एंड इट कैन भी अपलाइड इवन ए पैरामीटर कंडीशन ऑफ validity या not नॉट valid मतलब यह है कि अगर पैरामीट्रिक जो कंडीशन होती है जैसे कि जो डेटा आपका होमोज़ होमोजीनियस होना चाहिए या कर बै तो रेगुलर कब होना या पॉपुलेशन बड़ी होना तो इस प्रकार की जो वैलिडिटी जो कंडीशन होती हैं अगर वो फुलफिल नहीं हो रही तब भी हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं सो दोनों को देख लेते हैं क्या करके साथ में सो पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है स्पेसिफिक एजमसन आर मेड अबाउट दी पॉपुलेशन पैरामीटर पॉपुलेशन के बारे में पैरामीटर मतलब होता है कि आपके बहुत सारे जो है रिजल्ट हैं तो जो पूरा रिजल्ट है सभी के बारे में आप एक स्पेसिफिक जो एजमसन है वो बना सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने अगर स्व so सैंपल का डेटा निकाला और उसमें से आपने एक टेस्ट किया और उसके आधार पर दस का टेस्ट किया उसके आधार पर बता सकते हैं कि भाई ये जो दस का जो रिजल्ट आ रहा है वो भी इस पर अप्लीकेबल है आप उसमें एजम्पन बना सकते हैं बट नॉन पैरामेट्रिक में आप इसी प्रकार का कोई एजम्पन नहीं बना सकते हैं एंड रेशियो और एंटेबल स्केल इसमें हम रेशियो और एंटेबल स्केल हम यूज़ करते हैं इसके जो कि आपको आगे पढ़ाएंगे कि रेशियो रेशियो और इंटेबल स्केल क्या होता है या फिर नॉमिनल और दी ऑर्डिनल स्केल क्या होता है तो हम नॉन पैरामेट्रिक में हम नॉमिनल और दी ऑर्डिनल स्केल का यूज़ करते हैं और जबकि पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करें तो दैट रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर कैलकुलेशन डेटा को फाइंड आउट करने के लिए रिजल्ट तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में ऐसा नहीं होता है इसमें ज़्यादा डेटा की जरूरत नहीं होती है इसमें हम लेस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से भी जो कैलकुलेशन है उसको निकाल सकते हैं नेक्स्ट एज्यूम रेगुलर बेस बेल्स हैव कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और आप पैरामेट्रिक टेस्ट में ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए दैट शुड बी वेरी Uh, मतलब बेल शेप कर्व होना चाहिए उसके आधार पे ही आप जो पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में ऐसा नहीं है दैट डू नॉट एज्यूम द रेगुलर बेस बेल शेप कर्व ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दैट इज मोर स्टैटिकल पावर बिकॉज इसकी जो वैलिडिटी ज़्यादा होती है इसकी इसलिए इसकी स्टैटिकल पावर भी ज़्यादा होती है मतलब इससे इससे जो निकला हुआ रिजल्ट है ज़्यादा पावरफुल होगा ज़्यादा इसका वैलिडिटी होगी इसमें लेस पावरफुल होता है एंड दैट इज़ अ लेस रोबस्ट ये जो है नॉन पैरामीट्रिक है ज़्यादा रोबस्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसमें हम जो लेस इंफॉर्मेशन के माध्यम से भी डेटा निकाल सकते हैं और जबकि पैरामीट्रिक टेस्ट में ज़्यादा आपको स्पेसिफिक स्पेसिफिक पैरामीटर की जरूरत होती है और साथ ही साथ आपको जो डेटा है जो मोर इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है कैलकुलेशन के लिए इसलिए ये लेस रोबस्ट है रिजल्ट कैन भी जर्नलाइज इसके माध्यम से आप जैसे मैंने पहले पहला जो बताया था कि इसमें आपके अगर फॉर एक्जाम्पल थाउजेंड सैम्पल है अगर आपने हंड्रेड पे भी स्टडी की है तो आप वो जनरलाइज कर सकते हैं कि इसकी जो करेक्टेस्टेक्स है दैट विल बी सेम जैसे कि हज़ार की होगी उसी प्रकार से हंड्रेड की भी है तो इसमें हम नहीं कर सकते जनरलाइज इसमें आपके सभी के सभी जो वैल्यू है सबकी निकालनी पड़ेगी अलग अलग ये है आपका नॉन पैरामीट्रिक अब देखते हैं क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है पैरामेट्रिक के और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के सो so, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ज़्यादा डोंट रिक्वायर डेटा ज़्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है और साथ ही साथ इसमें ज़्यादा दैट आर दैट आर नॉट वैलिड जैसा कि मैंने इसके पहले मैं बताया था कि इसमें पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में कि ये जो इसका डिसएडवांटेज है कि ये दैट आर नॉट वैलिड ज़्यादा वैलिड नहीं होता है और क्विट इजी टू कैलकुलेट दैम इसको निकालना बहुत आसान होता है और इसको द साइज ऑफ सैंपल इज ऑलवेज इसमें जो सैंपल की साइज होती है बहुत बड़ी होने बड़ी होती है इसी वजह से इसका डिसएडवांटेज है बिकॉज अब ज़्यादा आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे पैरामेट्रिक टेस्ट को और प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इसके माध्यम से कि जस्ट बिकॉज कि इसमें डाटा ज़्यादा लगता है डाटा सैम्पल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसमें जो जो भी इंफॉर्मेशन है नेसेसरी जो के आउट जिसका जो रिजल्ट आता है वो ज़्यादा निकाल सकते हैं इससे ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको रिजल्ट के बारे में एंड इसका जो डिसएडवांटेज हैं कि ये ज़्यादा वैलिड नहीं होता है और उसकी जो सैम्पल साइज बहुत बड़ी होती है और व्हाट यू आर स्टडिंग हेयर सेल बी रिप्रेजेंट थ्रू दी मीडियम सेल एंड यू हैव रैंक डेटा एज वेल एज आउटलाइनर्स एंड यू जस्ट कांट रिमूव और आपको इसको रैंक करना पड़ता है उसी के माध्यम से आप डेटा को निकालेंगे और अदरवाइज आप उसके जो है कैलकुलेशन है उसको नहीं निकाल पाएंगे और उसका जो रिजल्ट होगा वो सही नहीं होएगा तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेज है पैरामेट्रिक टेस्ट के अब देखते हैं कि क्या एडवांटेज है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के और क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के सो तो ये थोड़ा ईजी होता है लर्न और अप्लाई करने में और बेस्ड ऑन दी मॉडल दैट स्पेसिफिक वेरी जनरल कंडीशन मतलब इसके लिए कोई खास जनरल मतलब स्पेसिफिक कंडीशन नहीं चाहिए होती है बहुत ही जनरल कंडीशन में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं एंड नो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच द सैंपल आर ड्रॉन इज नीडेड जहाँ से भी आप जो सैंपल ले रहे हैं वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा खास ये जो है स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए कि आपका डेटा जर्स होम होना चाहिए या फिर बेल्स कर्व होना चाहिए या रेगुलर कर्व होना चाहिए इस प्रकार की या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए इस प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती ना कोई तो इसको इजिली इस हम लगा सकते हैं कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती है इसके जो डिसएडवांटेज हैं कि लूजिंग प्रेसिजन इसमें प्रेसिजन कम होता है कि इसको क्योंकि आप छोटे भी पॉपुलेशन पे लगा सकते हैं तो ऑफकोर्स इसका प्रेसिजन कम ही होगा और पावर भी कम होगी क्योंकि जो स्टैटिकल वैल्यू आएगी वो जरूरी नहीं है कि उतनी एक्यूरेट आए तो दैट इज लेस पावर एंड फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी और ये ऑफ कोर्स जब आपका डे जो प्रेसिजन कम होगा तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आपको जो जो रिजल्ट आएगा वो सही नहीं होगा सो दे इज सेंस ऑफ इन सिक्योरिटी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड वेयर द पैरामीटर टेस्ट वुड बी अप्रोप्रिएट नॉन पैरामीटर शुड है लेस पावर जहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हैं तो जनरली उसी को यूज किया जाता है क्योंकि उससे जो आपका रिजल्ट आएगा वो अच्छा आता है आउटपुट जो है ज़्यादा सिक्योर होता है ज़्यादा स्टेडिकल उसकी वैल्यू पावर ज़्यादा होती है इसी वजह से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को वहाँ यूज नहीं करते इसलिए इसकी जो तो पावर है कम है एज़ कम्पेयर टू दि पैरामेट्रिक टेस्ट एंड लार्ज सैम्पल साइज कैन बी रिक्वायर्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन विद द इस सेम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इसमें जा बहुत ज़्यादा लार्ज जो है कि लार्ज सैंपल की जरूरत पड़ती है अगर आपको कंक्लूजन निकालना है उसी उसी सेम डिग्री ऑफ़ कॉन्फिडेंस मतलब आपका जो जो वैल्यू निकालेंगे जैसे आप किसी किसी टेक्निक का यूज करते हैं जैसे कि टी टेस्ट है या कोई टेस्ट है इसमें तो आपका का स्क्वायर टेस्ट यूज होता है नॉन पैरामीट्रिक में तो उसके माध्यम से अब डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस जो निकलेगी उसमें जो है लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए लार्ज सैंपल होने चाहिए दैट शुड बी रिक्वायर्ड अब हम देखेंगे डिफरेंट पैरामीटर टेस्ट कौन कौन से यूज होते हैं पैरामेट्रिक और दी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में सो so, पहले देखेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट के डिफरेंट टेस्ट सो so, पहला है जो है टी टेस्ट सो so, इसमें हमको ये चीज़ याद रखना है कि टे, टी टेस्ट जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया और टी टेस्ट क्या होता है उसके और दूसरे किस नाम से जानते हैं और कितने सैम्पल पर इसको हम यूज कर सकते हैं उसकी लिमिट क्या है कितनी पॉपुलेशन पर यूज करते हैं तो ये जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सोला टन स्टैंड सो जो टी टेस्ट है इसको डेवलप किया गया था डब्ल्यू एस गोसेट के द्वारा और इनके द्वारा इसको बनाया गया था और इसको इसको स्टूडेंट इस टी टेस्ट के नाम से जानते हैं तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इसको टी टेस्ट को और किस नाम से जानते हैं या किसके द्वारा डेवलप किया गया एंड टी टेस्ट यूज फॉर द टेस्टिंग द मीन ऑफ वन पॉपुलेशन अगेंस्ट द स्टैंडर्ड और द कंपेयरिंग द मीन ऑफ टू मतलब दो पॉपुलेशन है दो वेरिएबल्स हैं दो ग्रुप हैं उनके उनके जो मीन निकल के आएंगे उसको टेस्ट करने के लिए उसको एसेस करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए टी टेस्ट का यूज़ किया जाता है और इफ़ एनी

और तो तो भी आप इसको इसमें जो जेड टेस्ट है उसको यूज कर सकते हैं सो so, उसके अलावा अगर एग्जाम्पल लें तो मेजरिंग दी एवरेज डायमीटर ऑफ साफ्ट फ्रॉम दिस सर्टेन मशीन वेन यू हैव द स्मॉल पॉपुलेशन आपके पास सेम्पल साइज छोटी है और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी सर्टेन मशीन के जो है साफ्ट है उसके डायमीटर को मेजर करना चाहते हैं अपरेज डायमीटर को तो यहाँ पर हम टी टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं सो टी टेस्ट बेसिकली एसेस करता है वेदर द मीन ऑफ टू ग्रुप आर स्टडिकली डिफरेंट फ्रॉम इच अदर जैसे कि दो सैम्पल हैं आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो इनकी इनकी जो मीन है फॉर एग्जाम्पल इसका मीन निकला M1 एम वन एम टू तो इनके बीच में क्या डिफरेंट है क्या डिफरेंस है उसको एक्सेस करने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए क्या इसमें डिफरेंस है कि नहीं है उसको सिस्टमेटिकली और स्टडिकली डिफरेंस चेक करने के लिए हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं सो ना यू कैन सी हेयर जैसे इसमें एक कंट्रोल ग्रुप है एक ट्रीटमेंट ग्रुप है सो तो इसमें क्या बेसिकली ग्रू डिफरेंस है कि नहीं है उसको हम एग्जाम्पल लेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो यहाँ पर जो फार्मूला दिया है टी टेस्ट का इसको आपको याद करना है एग्जाम में आ, कभी कबार अगर फॉर्मूला आ गया है तो आपको एटलीस्ट एक नज़र में देख के आप इसको एक, टिक कर सकते हैं कि ये टी टेस्ट का ही फार्मूला है एंड जैसे कि यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी डिटेल में दिया है कि जो जितने वेरिएबल्स हैं उसका क्या नाम है एक्स यहाँ पर ऑब्जर्व मीन ऑफ सैंपल है थियोटिकल वैल्यू जो है पॉपुलेशन की मी है और एस ओ एन के बारे में स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेविशन है और सैम्पल साइज है इसी प्रकार से अगर जो सैम्पल है ज़्यादा है तो फिर हम ये वाला यूज करते हैं ये वाला फार्मूला जो है एस वन एस जिसमें एस ऑब्जर्व मीन एक्स बार एक्स टू एस वन एस टू एन वन एन टू है सैम्पल साइज ये सभी देख सकते हैं फॉर्मूले को आपको जस्ट रटना रटना नहीं आपको जस्ट एक बार देख लीजिएगा तब भी आपको याद रहेगा क्योंकि इसमें दो ही सैंपल है और टी टेस्ट को आपको निकालना है सो द टाइप ऑफ टी टेस्ट अभी देखते हैं टी टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं जैसे कि पेयर्ड एंड दी अनपेयर्ड टी टेस्ट की अगर बात करें तो ये दो प्रकार के टेस्ट होते हैं पेयर्ड होता है एक अनपेयर्ड होता है पेयर्ड का मतलब है कि जो टेस्ट सैम्पल है टेस्ट सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि एक एनर्जी ड्रिंक है एनर्जी ड्रिंक दस लोगों को पिलाई जाती है सो so, दस लोगों को पिलाने से पहले उनका हम एक, एक ब्लड वो करते हैं कि हम हार्ट बीट टेस्ट चेक करेंगे कि उनकी हार्ट बीट कितनी है और पिलाने के बाद एनर्जी ड्रिंक पिलाने के बाद उनकी हार्ट बीट बढ़ती है कम होती है फिर दोबारा चेक करेंगे तो सैंपल जो सब्जेक्ट है सेम रहेगा वो दस ही लोग रहेंगे और उनको एनर्जी ड्रिंक पिलाई जाएगी पहले चेक करना है हार्ट बीट और बाद में चेक करना है तो आपका जो सब्जेक्ट टेस्ट है सेम रहेगा तो उसको बिलेंगे पेयर्ड और अनपेयर्ड का मतलब होता है कि जो एनर्जी ड्रिंक है आपने ये दस ये दस लोगों का ग्रुप है एक ये दूसरा दस लोगों का ग्रुप है ये बी मान लीजिए इसको ये कर दीजिए और ये जो ड्रिंक है ड्रिंक को आपको इनको भी देना है इनको पिलाएंगे इनको पिलाएंगे और दोनों की हार्टबीट को चेक करेंगे तो ये क्या है इसमें सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो डिफरेंट है डिस्टिंक्ट है तो उसको बोलेंगे अनफेयर्ड आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर वो जो एग्जाम्पल दिया गया है तो इसको आप जो मैंने आपको बताया वही एग्जाम्पल यहाँ पर मैंशन है आप देखते हैं जेड टेस्ट जेड टेस्ट क्या होता है ये बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि जो जहाँ पर पॉपुलेशन की संख्या मतलब जो साइज़ है तीस से ज़्यादा हो या तीस के बराबर हो तो वहाँ पर हम जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं सिंपल है आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है और इसमें हम जो उसमें जो मीन वैल्यू होती है उसको हम कंपेयर करते हैं जैसे कंपेयरिंग द एवरेज इंजीनियरिंग सैलरी ऑफ मैन वर्सेज बीमन महिलाओं और पुरुषों की जो सैलरी है उसको कंपेयर करना है उसके एवरेज को तो ये जेड टेस्ट होगा जब आपकी संख्या तीस से ज़्यादा है जैसे किसी कंपनी uh, किसी फैक्ट्री किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग तो ज़्यादा होते हैं तो उन महिलाओं और पुरुषों की जो सैलरी है उसको कंपेयर करना उसी प्रकार से यहाँ पर दो प्रोडक्ट है जो डिफेक्टेड uh, है उनको चेक करना कंपेयर दी फ्रैक्शन डिफेक्शन डिफेक्टेड फ्रॉम द टू प्रोडक्ट लाइन जैसे दो प्रोडक्ट लाइन है जैसे कि किसी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहे हैं तो प्रोडक्ट जो लाइन होती है चेन होती है वहाँ से देखना होता है कि बेसिकली कितना इसमें डिफेक्ट है कि नहीं है तो दो अलग अलग uh, दो प्रोडक्ट लाइन से आप चेक कर सकते हो तो उसको बोलेंगे आपका जेड टेस्ट यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर प्रॉब्लम तो एक एक एग्जाम्पल दिया गया है कि टेस्ट कैसे यूज किया जाता है सो so, जैसे सर्वे क्लेम दैट नाइन आउट ऑफ तो टेन एक सर्वे किया गया और सर्वे में पाया गया कि दस में से नौ डॉक्टर बेसिकली जो पेशेंट होते हैं उनको हेडेक के लिए जो स्प्रिंग दवा होती है स्प्रि दवा देते हैं और इसी पे फिर टेस्ट किया गया कि बेसिकली क्या ये सही बात है कि गलत है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो क्लेम है एकट है कि नहीं है उसमें हंड्रेड डॉक्टर से पूछा गया और वहाँ से डेटा कलेक्ट किया गया और पाया गया कि जो एट्टी एट्टी टू है जो डॉक्टर हैं वो इंडिकेट करते हैं कि उन्होंने एस्पिरिन जो है रिकमेंड की है पेशेंट को एटी टू तो उसको कैसे निकालेंगे कि जो क्लेम है सही है कि गलत है तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एन तीस से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर जो डेट जेड टेस्ट यूज़ करेंगे और जो फार्मूला यहाँ पर दिया गया है सो जैसे यहाँ पर जेड मतलब टेस्ट जो कर रहे हैं एन मतलब सैंपल साइज कितनी है आपकी हंड्रेड है और पी नॉट मतलब नल हाइपोथेसिस वैल्यू कितनी है आपकी ये है आपकी नाइन्टी क्योंकि नाइन सॉरी नाइन क्योंकि आपने नाइन लिया था क्लेम किया था कि नाइन जो है दस डॉक्टर में से नौ जो है क्लेम कर रहे हैं और उसके अलावा पी की जो ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन अप्जर्व, प्रोपोर्शन कितना है एटी टू है क्योंकि एटी टू आपने इंडिकेशन दिए गए थे कि एटी टू जो है क्लेम करते हैं कि उन्होंने रिकमेंड किया है एक्सपेडेंट तो उसके माध्यम से जेड से आप जो वैल्यू निकाल लेंगे और फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो बेसिकली क्लेम है एक्योरेट है कि नहीं है सो हम फिर देख सकते हैं यहाँ जो वैल्यू आई है माइनस टू पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन आई ओके और यहाँ पर जो दिया गया था क्वेश्चन में दिया भी रहता है जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है सो वो यहाँ पर दी दी रहती है अल्फा पॉइंट पॉइंट जीरो फाइव या बोल सकते हैं आप सो पॉइंट जीरो फाइव पे जो वैल्यू होती है आपकी सिग्मा की कितनी होती है आपको अगर पता होगा तो वन पॉइंट नाइन सिक्स होती है इसी वजह से इस जो वैल्यू है आपकी जो रिजल्ट हो होकर आई है ये ज़्यादा है उससे इसी वजह से ये जो है रिजेक्ट हो जाएगा मतलब जो नल हाइपोथेसिस है और इस जो जो इन्होंने क्लेम किया है वो गलत है उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी वो गलत है इट्स नॉट एक्यूरेट तो ऐसे निकालते हैं जेड की वैल्यू आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट दट इज एनालिसिस ऑफ वेरियंस इसको अनोवा टेस्ट बोलते हैं अनोवा टेस्ट का यूज हम जब करते हैं जहाँ पर हम जेड टेस्ट और टी टेस्ट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि जेड टेस्ट और टी टेस्ट में लिमिटेशंस होती हैं उसमें दो ही वेरिएबल पर हम एनालिसिस करते हैं और जेड टी टेस्ट हम जब यूज करते हैं जब पॉपुलेशन की संख्या तीन तीस से कम हो और जेड टेस्ट हम जब यूज करते हैं जब पॉपुलेशन की संख्या तीस से ज़्यादा हो और वहाँ पर वेरेबल दो हों बट जब एनोवा हम जब टेस्ट यूज जब करेंगे जब जहाँ पर जो बेरेबल की संख्या है तीन से ज़्यादा भी हो सकती है जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट कंट्री जैसे यू एस वर्सेज एंड इटली इनके बीच में इनके 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 इन सभी कंट्री के आई स्कोर को चेक करना है डिफरेंस को चेक करना है तो उसको अनोवा के माध्यम से एग्जामिन कर पाएंगे और कंपेयर कर पाएंगे इनके मीन ऑफ सैम्पल ऑफ रेशियो इनकी इसको हम आर इसको आर रेशियो से बोल एफ एफ रेशियो से बोलते हैं एफ रेशियो का मतलब हुआ कि यहाँ जो ग्रुप के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप है उनके अंदर कितना बेरियंस है और ग्रुप के अंदर कितना बेरियंस है बेरेंस बिटवीन ग्रुप मतलब दो दो ग्रुप या तीन ग्रुप जितने भी हैं उसके बीच में बेरियंस देखना है और विद इन द ग्रुप एक ग्रुप के अंदर कितना बैरेंस है उसको आपको डिवाइड करना है तो इससे एफ की वैल्यू निकल आएगी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अब कितने प्रकार के अनोवा टेस्ट होते हैं उसको देख लेते हैं सो so, अनोवा टेस्ट दो प्रकार के होते हैं एक वन बे अनोवा होता है दूसरा होता है टू बे अनोवा सो इसमें बेसिकली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं सो वन वे अनोवा होता है जहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जबकि टू वे अनोवा में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं सो so, एक एक करके दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं सो वन वे अनोवा क्या है इसमें बेसिकली टेस्टिंग की जाती है रिलेशनशिप बिटवीन जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि एक मैराथन है मैराथन मेरा, में डिफरेंट पार्टिसिपेंट जो जिसमें दौड़ेंगे तो उनके जो, वो डिफरेंट ब्रांड के जो शूज़ हैं पहने हुए हैं जो, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि नाइक एडिडास ये सभी तो इसमें ये हमको निकालना है वन वे अनुवा के माध्यम से ये टेस्ट करना है कि क्या संबंध है ब्रांड सूज में और उनके द्वारा जो कितना समय लिया जा रहा है उससे मैराथन को फिनिश करने में तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन है उसको निकालना है तो यहाँ पर हम वन वे अनोवा यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और अब देखेंगे जो टू वे अनोवा होता है इसमें ज़्यादा दो से मतलब दो एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं जैसे कि सेम जो मैराथन खेली जाए मैराथन में जो पार्टिसिपेंट है उनके द्वारा कौन से सूज कौन से ब्रांड के सूज पहने गए और उनकी जो एज ग्रुप क्या है उनका जूनियर सीनियर मास्टर्स भी हो सकते हैं और उनके द्वारा कितने टाइम में जो मैराथन है वो फिनिश की जा रही है तो यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए हैं तो इनको निकालने के लिए हम टू बे अनुबा का यूज करेंगे आई होप आप आपको समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट दैट इज़ दी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यहाँ पर हम बात करेंगे अभी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में तो so उसमें कौन कौन से टेस्ट यूज होते हैं द फर्स्ट वन दैट इज़ का स्क्वायर टेस्ट सो का स्क्वायर टेस्ट ऑफ़ एस्को इंडिपेंडेंट बोलते हैं का स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और इसके माध्यम से डिटमान किया जाता है कि जो डिफरेंट uh, जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं क्या इंडिपेंडेंट हैं और क्या संबंध है उसको निकालने के लिए हम का स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं और ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का टेस्ट है एंड इस टेस्ट को आल्सो नोन एज द का स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन क्या बेसिकली यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उनके के बीच में क्या एसोसिएशन है क्या रिलेटेड है या इंडिपेंडेंट है एंड टेस्ट ऑफ़ द गुडनेस ऑफ फिट और ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि गुडनेस ऑफ फिट जो गुडनेस ऑफ फिट जो टेस्ट है कौन सा टेस्ट है टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी इसका जो फार्मूला यहाँ पर मैंसन है इसको आप देख लीजिए ये जो यहाँ पर ओवा लिखा है ये ऑब्जर्व वैल्यू है और ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है और इसके माध्यम से इसको वैल्यू को निकाला जाता है नेक्स्ट है मीडियन टेस्ट सो मीडियन टेस्ट बेसिकली यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए दो दो सैंपल की मीडियंस को उसके माध्यम से आप फाइंड आउट करते हैं बेसिकली उसकी सेंटर टेंडेंसी कि उसके सेंटर टेंडेंसी में क्या डिफरेंस है उसको कंपेयर करते हैं मीडियन टेस्ट के माध्यम से जैसे कि यू माइट वांट टू कंपेयर द मीडियन नंबर ऑफ़ पॉजिटिव कॉल और जो नेगेटिव कॉल होती है नेगेटिव कमेंट होते हैं उनके बीच में आप कंपेयर करना चाहते हैं तो उसको निकालने के लिए आप मीडियन का यूज़ करेंगे इसके माध्यम से आप निकाल पाएंगे कि कितने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं दैन द पॉजिटिव कमेंट या फिर उसका बाईस परसा भी तो उसको निकालने के लिए आप मीडियम टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट है मान विटनी यू टेस्ट यू टेस्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है सो so, इसको मान विटनी के द्वारा ये जो यू टेस्ट है ये मोस्ट पावरफुल और मोर यूजफुल है अगर हम बात करें मीडियम टेस्ट के लिए अगर कंपेयर करें मीडियम टेस्ट से तो so, मीडियम टेस्ट से ज़्यादा यूज़ इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है दैट इज़ यू टेस्ट बिकॉज़ क्यों किया जाता है इसका इसका कारण है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल अल्टरनेटिव फॉर द दैरामेट्रिक टेस्ट जहाँ पर पैरामेट्रिक टी टेस्ट का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अलावा हम अगर कोई नॉन पैरामेट्रिक में यूज कर सकते हैं वो टेस्ट है वो है यू टेस्ट सो भैन दी पैरामेट्रिक एजम्पन कांट बी मीट एंड भैन द मेजरमेंट एंड आर एक्सप्रेसड इन दिन ऑर्डिनल स्केल वैल्यूज़ सो वहाँ पर हम यू टेस्ट यूज़ करेंगे बिकॉज पैरामेट्रिक टेस्ट में आपको जो पॉपुलेशन चाहिए होती है उसके शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसी वजह से पैरामेट्रिक अगर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है जो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं तब हम वहाँ पर ये जो है यू टेस्ट यूज कर लेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का सो नाउ लेट अंडरस्टैंड कोरिलेशन कोरिलेशन को अंडरस्टैंड करते हैं सो कोरिलेशन बेसिकली अगर बात करें इसकी तो इज कोरिलेशन बेसिकली टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टू वेरिएबल्स सो जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन uh, को फाइंड आउट करना होता है क्वांटिफाई करना होता है तो हम वहां पर कोरिलेशन का यूज करते हैं इसके नाम से ही आप लगा सकते हैं किसका मतलब क्या होगा को एंड रिलेशन रिलेशन मतलब संबंध स्थापित करना या संबंध को क्वान्टिफाई करना निकालना दो दो वेरिएबल के बीच में दो ग्रुप के बीच में तो ये कोरिलेशन के माध्यम से हम इजीली उसके दो डिफरेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिश्ता है क्या रिलेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी डिग्री क्या है कोरिलेशन की उसको निकालते हैं सो so, वो उसी को देखते हैं कोरिलेशन कॉफिशियंट सो कैसे एनालिसिस करना है कैसे फाइंड आउट करना है रिलेशन तो उसको ही बोला जाता है कोरिलेशन कॉफिशियंट तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं

और उनके बीच में क्या बेसिकली कोरिलेशन है उसको हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन के माध्यम से फाइंड आउट करते हैं डिटरमाइन करते हैं और जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है बेसिकली जो मेजर करता है मेजर थ्रू दी कोरिलेशन एनालिसिस मतलब कोरिलेशन एनालिसिस के माध्यम से एक तरीका है जिसके माध्यम से हम डिग्री ऑफ रिलेशन निकालते हैं और डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होता है दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कहलाता है उसको ही हम बोलते हैं कोरिलेशन कोफिसियंट किसको बोलते हैं कोरिलेशन कोफिसियंट डिग्री डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स सो जो दो वेरिएबल हैं दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं आर नेवर भी कोरिलेटेड अगर देखो अभी मैंने बताया आपको कि जो वेरिएबल है उनके बीच में कुछ ना कुछ मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना चाहिए ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो हम उसके बीच में कोरिलेशन कैसे निकालेंगे सो डिग्री ऑफ कोरिलेशन विल ऑलवेज बैरी फ्रॉम प्लस टू माइन प्लस टू प्लस वन मतलब माइनस वन से लेकर प्लस वन तक बैरी करती है जो डिग्री कोरिलेशन की जो डिग्री है मतलब इसके बीच में जो संबंध है वो इतना बैरी कर सकता है और परफेक्टली नेगेटिव होगा या फिर परफेक्टली पॉजिटिव अगर जीरो है इसका मतलब है कि उसके बीच में कोई संबंध नहीं है कोई कोरिलेशन नहीं है सो दे आर द फोर थिंग्स बिच कुड बी डिटर्मान बाय द कोरिलेशन मतलब कोरिलेशन के माध्यम से हम चार चीजों को निकाल सकते हैं पहली है वेदर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन variables मतलब जो वेरिएबल हैं दो उनके बीच में कोई संबंध है या नहीं है उसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ रिलेशन मतलब रिलेशन uh, को मेजरमेंट करना उसको फाइंड आउट करना और वेदर द कोरोलेसेशन इज पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव क्या वो पॉजिटिव है धनात्मक है या ऋणात्मक है उनका रिश्ता कोरोन एंड वेदर द कोरोन ऑफ डिग्री ऑफ कोरोन इज सिग्निफिकेंट और नॉट और जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है कोरोन uh, कोफिशियंट जो है बेसिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है उसको भी निकाल सकते हैं हम कोरोन के माध्यम से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स जो बैरिबल है उनके बीच में कॉज और कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन होता है उसको उसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है कोरिलेशन के माध्यम से इसके माध्यम से जो पहलू निकलती है अभी देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स कोरिलेशन सो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन सो अगर बात करें उनके डायरेक्शन के आधार पर जैसे कि जो दो वेरिएबल है और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स एक्सएस पे वाई एक्सएस पे तो उनकी डायरेक्शन किस प्रकार की उसके आधार पर भी कोरिलेशन को निकाला जा सकता है वो होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और दी नेगेटिव कोरिलेशन एंड दी दूसरा होता है बेस्ड अपॉन दी नंबर ऑफ वेरिएबल स्टडी कितने नंबर ऑफ़ द वेरिएबल है उसके, उसको उसको स्टडी करके हम कोरिलेशन निकालते हैं तो सिंगल कोरिलेशन होगा मल्टीपल कोरिलेशन और पार्सल कोरिलेशन होगा तीनों को देखेंगे बाद में और बेस्ड ऑन दी कंसिस्टेंसी ऑफ द रेशियो ऑफ द चेंज बिटवीन दी वेरिएबल्स जो भी वेरिएबल्स हैं उसमें कितना बदलाव आ रहा है उसके रेशियो में उतनी, कि, कितनी कंसिस्टेंसी है लगातार मतलब अगर हम चेक करते हैं तो उसमें कितना कंसिस्टेंसी आती है उनके रिजल्ट में ए, एक एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसकी आती है कि नहीं आती बार बार तो उसके आधार पर देखें तो लेनियर कोरिलेशन होता है और नॉन लेनियर कोरिलेशन होता है सो so पॉजिटिव अगर देखें पॉजिटिव जो कोरिलेशन है दैट द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच बोथ वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं दोनों वेरिएबल तो उसको पॉजिटिव कोरोलेसन बोला जाएगा अगर एग्जाम्पल लेते हैं इसका तो दैट इज हाइट एंड देट द टॉलर पीपल टेन टू बी है जो तो लंबे लोग होते हैं ज्यादा हैवी होते जाते हैं मतलब उनका वेट बढ़ता जाता है सो so, ये नेक्स्ट है नेगेटिव कोरोलेशन नेगेटिव मतलब होता है कि उनके जो दो वेरिएबल हैं इन विच एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड इन डिक्रीज इन द अनदर मतलब अगर एक वेरिएबल जो है बढ़ रहा है तो जो दूसरा वेरिएबल है वो कम होता जाएगा उसका द एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव कोरोलेसन इज दैट हाइट एब दी लेवल एंड द एंड टेम्परेचर, सो ये जस्ट अपोजिट है इन दोनों के मतलब आपका टेम्परेचर गिरता जाएगा अगर हाइट ऑफ द सी लेवल बढ़ेगी तो इसको बोलेंगे नेगेटिव को नेक्स्ट है जीरो को सो वट इज जीरो को अगर उनके बीच में कोई संबंध नहीं है देर इज नो रिलेशन बिटवीन दैम दट इज कॉल्ड एज जीरो को फॉर एग्जाम्पल देर इज नो रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ टी ड्रंक टी मतलब आप कितनी चाय पीते हैं और उससे ये ज्ञात नहीं होता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं समझ रहे हैं तो इसके चाय में और इंटेलिजेंस में कोई संबंध नहीं है तो इसको बोलेंगे जी जीरो को रिलेशन जैसे देख सकते हैं ये पॉजिटिव को रिलेशन का एग्जाम्पल है ये दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं आगे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पर दोनों वेरिएबल अगर यहाँ पर एक्स ले लें यहाँ पर बाई ले लें ये एक्स एंड बाई होगा तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे इसमें गिरावट आ रहा है एंड नेक्स्ट दैट इज द जीरो को रिलेशन मतलब कोई संबंध नहीं है एक्स बाई इनके कोई संबंध नहीं है नेक्स्ट लीनियर इन नॉन लीनियर लीनियर का मतलब होता है कि अगर कांस्टेंट चेंज हो रहा है तो उसमें उसको लीनर बोलेंगे जैसे किसी फैक्ट्री में काम करने है, जैसे अगर बात करें नंबर ऑफ वर्कर हैं जैसे पेन द अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ फैक्ट्री इज़ डबल वैन डबलिंग द नंबर ऑफ द वर्कर अगर जैसे किसी फैक्ट्री में सोलो काम कर रहे हैं तो वहाँ पर दस घंटा लगता था अगर उसको काम करने में अगर यहाँ पर दो सौ कर दें तो जो है समय क्या आपका समय उसका क्या कम हो जाएगा डबल मतलब आउटपुट अगर देखें जैसे आउटपुट मान लो इसका हंड्रेड हंड्रेड यूनिट आ रहा है सोलो का आउटपुट इसका दो सौ यूनिट हो जाएगा अगर दो लोग बढ़ा दें तो यही है मतलब अगर रहेगा अगर क्या है उसका आउटपुट है दब, बराबर रहे तो नेक्स्ट है रेशियो ऑफ द चेंज इज नॉट कॉन्स्टेंट अगर कॉन्स्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम्पल ऑल द पॉइंट डायग्राम टू बी लाइक नियर टू टू बी नॉन लीनियर जैसे आप एग्जाम्पल में इसमें फोटो में देख सकते हैं इस पिक्चर में ये लीनियर कोरिलेशन है लगातार दोनों में बदलाव हो रहा है और ये है आपका नॉन लीनियर का नेक्स्ट है सिंपल कोरिलेशन सिंपल कोरिलेशन का मतलब क्या है कि अगर इफ ओनली टू वेरिएबल्स आर देयर देन दैट इज कॉल्ड ए सिंपल कोरिलेशन एंड जैसे कि देख सकते हैं एग्जाम्पल में दिया है बाई ब ए प्लस बी एक्स यहाँ पर दो ही वेरिएबल है अगर एक्स में बदलेगा तो में चेंज होगा तो इसको बोलेंगे सिंपल वेरिएबल एक मल्टीपल मल्टीपल वेरिएबल क्या होता है जहां पर दो या दो से अधिक तीन या तीन से अधिक जो वेरिएबल्स होते हैं वहां पर मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल मतलब क्या होता है जहां पर ज्यादा नेक्स्ट है आपका पार्शियल वेरिएबल्स पार्शियल कोरिलेशन पार्शियल मतलब होता है जहां पर मोर देन टू वेरिएबल्स हों बट ओनली टू वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड कीपिंग दी अदर वेरिएबल कॉन्स्टेंट तो उसको बोलेंगे पार्सल कोरिलेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा सो so, इस इस वीडियो में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे